पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में मशहूर ताजर राम प्रसाद के कत्ल में मुलविस 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि केस सत्यनारायणा के श्याम सुंदर, अंजनिया प्रसाद, मुंडे प्रीतम, पी रामू, टी सुरेश, सी आनंद, श्री राम रमेश, शेख अजहरुद्दीन, टी नरेश और वेंकट रामू ने मिलकर राम प्रसाद का कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक 6 जुलाई को राम प्रसाद की अहलिया को उनके ड्राइवर लिंगया ने बताया कि राम प्रसाद वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर गए हुए थे। रास्ते में नामालूम अफराद ने उस पर हमला कर दिया। फौरी उसे खानगी दवाखाने ले जाया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जान बर ना हो सका। मकतूल राम प्रसाद की अहलिया ने बताया कि उनके शौहर और मुलजिम नंबर 1 के सतिया के दरमियान तजारती तनाज़ा था और सतीम भी उनके शौहर के कत्ल में मुलविस है। राम प्रसाद की अहलिया की शिकायत पर पुलिस ने इस सनसनीखेज कत्ल की तहकीकात करते हुए मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3 तलवारें, 1 गाड़ी, 1 स्कूटर और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। सुरेश, सी आनंद, एस रमेश, शेख अजहरुद्दीन, पी नरेश और वेंकट राम रेड्डी मफरूर बताए गए हैं। मफरूर मुलजमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। तो इसमें जो डिटेल्स है, कोगंटी सत्यम और जो राम प्रसाद जो डिसीज्ड है, ये दोनों के बीच में बिजनेस राइवलरी है, उसका कारण ये हत्या हुआ। ये 2003 से लेके 2013 तक ये बिजनेस पार्टनर से विजयवाड़ा में, इनका जो स्टील प्लांट और तरह के लैंड के डीलिंग्स है उसमें लगभग 70 करोड़ का जो डिस्प्यूट था, ये राम प्रसाद डिसीज जो है ये कोगंटी सत्यम को पे करना था। विजयवाड़ा के चंद लोग बैठ के, एल्डर्स और उनके जो बिजनेस के लोग हैं, वो लोग सब बैठ के सेटल कराइए, 23 लाख को सेटल कराइए। उनका सेटलमेंट जो है ये 23 करोड़ अमाउंट जो है ये राम प्रसाद ये कोगंटी सत्यनारायण को देना था। उसमें 12 करोड़ के करीब ये डिसीज राम प्रसाद और 11-12 करोड़ ये इसका ब्रदर इन लॉ जो मर गया राम प्रसाद, उसका ब्रदर इन लॉ श्रीनिवास राव करके, ये दोनों ये कोगंटी सत्यनारायण को ड्यू थे। ये लोग नहीं दे रहे थे। 2013 से 2015 तक कई बार ये पूछ के ये लोग डिसाइड करें कि इसको, क्योंकि पैसा नहीं दे रहा, इसको एलिमिनेट करने के लिए डिसाइड करें। उसके बाद में इनका डिस्प्यूट और राइवलरी बढ़ने के बाद ये राम प्रसाद जो डिसीज ये विजयवाड़ा छोड़ के हैदराबाद में आके यहाँ 2015 से एक गच्चीबौली के एरिया में रहने लगा है। इसका ऑफिस दुर्गा नगर कॉलोनी पंजागुट्टा लिमिट्स में है और उसका जो फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री है ये पारगी में है। वो ये कोगंटी सत्यनारायण इसको एलिमिनेट करने के लिए उसके साथ जो काम करते थे श्याम सुंदर और दूसरा सुरेश, ये दोनों को एम्प्लॉय करके ये प्लान उनको दिया कि इसको ख़त्म करना है। तो ये अपना श्याम और सुरेश ये दोनों लोग 3 और लोगों को एम्प्लॉय करके वो प्लान इसको बताए कि इसको यहाँ हैदराबाद में हत्या करना है करके, मर्डर करने के लिए प्लान दिए। सो वो लोग 6 लोग मिलके यहाँ पे रेकी करे उसका घर जो काजागुड़ा गच्चीबौली में वहाँ पे और उसका परगी फैक्ट्री में और जो ऑफिस है दुर्गा नगर कॉलोनी में। ये रेकी करने के बाद ये मालूम हुआ कि ये हर सैटरडे ये टेम्पल को जाके फिर वापस आता करके हर शाम में। तो उस दिन का शाम में भी ये ऑफिस से निकल के टेम्पल जाके फिर टेम्पल में दर्शन करने के बाद वहाँ से अपने गाड़ी में बैठने के लिए आ रहा था। वो उस समय ये श्याम और जो 3 लोग हैं आज अरेस्ट हुए, उसमें प्रसाद, प्रीतम और राम, ये 3 लोग और श्याम, ये 4 लोग मिलके उसको अटैक करके वहाँ पे 3 नाइफ से अटैक करके वहाँ पे उसको मर्डर करे। सर, ये जो 6 लोग में सत्यम के ऊपर 21 केसेज है, उसका राउडी शीट भी है वहाँ पे विजयवाड़ा में। उसके अलावा ये श्याम है, वो श्याम भी इन्वॉल्व है केसेज में है, बाकी के लोगों का वेरीफाई करना है। शाम तो उसके 5 लोग यहाँ के जिन्हें विजयवाड़ा में, सारे लोग विजयवाड़ा के, ये केवल ये कोगंटी सत्यम जो है उसका एक रेसिडेंस यहाँ पे है कावरी हिल्स में, वो कभी जब भी हैदराबाद आता है उसमें रहता हूँ। सुपारी मर्डर के लाइक में करेगा लोग, जैसे कि सुपारी मर्डर मतलब ये प्री प्लान, ये इसमें जो इन्वॉल्व है मेन अक्यूज जो है A3 नागा प्रसाद, ये शाम के पास कुछ काम के लिए गया, एक कोई तेनाली में शॉप है उसको विकेट कराने के लिए, इसके जो फादर इन लॉ का एक मेडिकल शॉप है उसके फायदा लेते हुए वो विकेट कराने का वायदा करके उसको और पैसा भी ऑफर करके ये मर्डर प्लान किया, उसके साथ करवाया। तो वो जो प्रसाद है आंजनेय प्रसाद,
को और दो लोगों को, खुद उसके भाई एक रामू और उसका दोस्त प्रीतम, ये तीनों लोगों के इकट्ठा करके ये लोग डायरेक्ट ऑफेंस में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा बाकी के लोग जितने और भी अच्छे लोग, उसमें कई लोग रेकी करें, कई लोग जब ये मर्डर हो रहा था ये लोग दूर से मतलब निगरानी रख के उसको प्रोटेक्ट करें। कितने का सुपारी था? सुपारी नहीं बोल सकते इसको, ये करने के लिए एक तो मैं बोला जो उसका जो काम है विजयवाड़ा में वो कराने का एक था, दूसरा इसमें 3 लाख दिए, अब बोल रहे हैं कि 10 लाख का कुछ ये खर्चे के लिए देने के लिए ये राजी हो, उसमें दिया अभी प्रसाद को, नागा प्रसाद जो है ये नागा आंजनेय प्रसाद को 2 लाख दिया और 25,000 आनंद करके है उसको ये यहाँ पे एक मकान लेके इसके ऊपर निगरानी रख के रेकी करने के लिए वो पैसा दिया। ये लोग विजयवाड़ा में स्टील बिजनेस के पार्टनर्स थे, स्टील बिजनेस करते थे और कई लैंड डीलिंग्स भी इनके, तो उसमें ये लोग पार्टनरशिप था, फिर बाद में ये पार्टनरशिप इनका फिर बिछड़ गया ये लोग दोनों बिजनेस में, उसके बाद में 70 करोड़ का जो इनका डिस्प्यूट था वो 23 करोड़ को सेटल हुआ, वो 23 करोड़ में ये 12 करोड़ ये देना था जो मर गया, उसके 12 करोड़ इसका मर गया ना जो उसका उसका ब्रदर इन लॉ श्रीनिवास करके वो देना, तो ये डिस्प्यूट में इसको ख़त्म करें क्योंकि पैसा नहीं पे कर रहा। और इसके बीच में इस बीच में 2013 और 2015 में ये जो डिसीज्ड है पैसा भी नहीं दिया और इनके ऊपर 2-3 कंप्लेंट्स कराए थे और विजयवाड़ा में केसेस कराए, तो वो भी एक।